हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सब भी ठीक हो गए। भी शाम हो गई है, दिन छिपन आड़ा है। मैंने सोचा पेड़ में पानी डाल लूँ और एक बार छत का हालचाल देख आती हूँ। ऊपर क्या कुछ है, ऊपर का हालचाल? छत पे आ गए भी और गर्मी होने लगी बहुत ज़्यादा। भी पहले तो ना पेड़ में कई कई दिन में पेड़ों में पानी डालना पड़ता था, और अब तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने लगी। देखो भाई, ये हमारी मोमटी है ऊपर, छत पर आ रहे हैं अभी पानी डालने के लिए। ये देखो भाई, ये इधर ऐसे लाइन में गमले लगा रखे हैं। सबसे ज़्यादा भी तुलसा के पेड़ हैं हमारे घर में, ये अपने आप ही हो जाते हैं, फिर ये अलग अलग गमलों में करने पड़ते हैं। अब दो पत्त जड़ की वजह से ना काफ़ी पत्ते झड़ गए इनके, ठंड के चक्कर में पेड़ मुरझाए ऐसे हो रहे हैं बस। और यहाँ रखी एक टंकी, ये रखी, और भाई ये देखो इधर भी लगा रखे हैं पेड़, ये रे गमले कई सारे इस साइड दीवार के साथ लगा रखे हैं। ये भाई छोटी सी मेज बनवा रखी ऊपर वैसे, और भाई यहाँ ये क्यारी सी बना रखी है। अभी तो मैंने फिलहाल इसमें से सब हटा दिए पेड़, बस एक ये तुलसा का छोड़ रखे है इसमें। ये दिखाई दे रहे आपको, ये रे देखो एक क्यारी है भाई इस साइड दीवार के साथ साथ है, एक तुलसा का पेड़ यहाँ पे भी है। पत्ते तो वही सारे झड़ गए बस इस तुलसा के तो, और छोटा सा ये यहाँ तक बना रखा है। और ये देख लो भाई चौक हमारे घर के सामने, ऐसे आदमी बैठे रहते भी ताश खेलते रहते हैं, और सामने वो हार्डवेयर की दुकान है। और ये देखो यहाँ पे, और भैया चौपाड़ है हमारे गांव की, ये देख लो ये यहाँ तक है, ये री। और ये मंदिर है यहाँ पे, ये गोलगप्पे वाला खड़ा है भाई और ये फोटो स्टेट की दुकान वगैरह कैफे खुल रहा है, मतलब हर एक चीज़ मिल जाती है भाई यहाँ पे। एक कचौरी की दुकान लगाते हैं, टेंट सा दिखाई दे रहा है जो आपको, वो सुबह 1-1.30 बजे तक लगाता है, कचौरी अच्छी बनाता है भाई। और ये देख लो, और भाई ये देखो इधर भी दुकान है, यहाँ पे एक मेडिकल स्टोर है इस साइड में, जाए बोर्ड सा लग रहा है, टंकी दिखाई दे रही होगी आपको नीली। दो स्टोर भी हैं भाई मेडिकल यहाँ पे नज़दीक। और देखो भाई नीचे दिखाती हूँ, ये देखो ये हमारी गली है, ये ऐसे हमारी गली, ये कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े धोए थे भी आज, कुछ तो उतार दिए मैंने और कुछ अभी सूख रहे हैं जो गिल्ले थे। और भाई ये है चौक बहुत बड़ा यहाँ पे, और एक गली देखो इधर भी लगती है जो मेन स्टैंड पे जाती है हमारे यहाँ से, ये देखो ये दिखा रही हूँ, ये जाती है मेन स्टैंड पे इधर से, और छोटा सा चौक ये इधर भी है। और ये है भाई एक मेडिकल स्टोर, ये रहा नीचे दवाइयों का, और ये है सुनारा की दुकान भाई, और ये है भाई हमारा घर भाई। बढ़िया मन लग गया है, सही चौक में घर है। और अपने कोई भी आओ है ना, सब चौक में आओगे, पंचायत हो या कोई भी काम हो, किसी चीज़ का कैंप वगैरह लगना हो, आँखा का या किसी भी चीज़ का टेस्ट वगैरह का, कोई भी प्रचार हो, सब कुछ चौक में आओ है, मतलब ये मेन चौक है हमारे गांव का। और ये देखो भाई हमारी खाट है, हम गेहूँ सुखाया करते इस तरह इसके ऊपर, ये बंदरा ने तोड़ दी, टूट गई, ये पहले के दरवाजे वगैरह पड़े हैं, अब हमने नए लगवा लिए। ये देखो कुछ गमले इधर भी रखे हैं हमारे, ईंट रखी हैं ये पहले की, ये देखो
और एक खाट भैया यहाँ है, चारपाई मारी, गेहूँ सुखाया कर भाई ऊपर दो के। और ये हमारा एसी लाग रहा है, ये हमारी, और देख लो ये हमारे सामने वाले घर हैं भाई, पुराने पुराने छोटी ईटा के बोलिया करें ना वो वाले घर हैं ये दिखाई दे रही होंगे आपने, छोटी छोटी ईट, पहले स्त्रिया के चुनने के घर होया करते, ये तो कोई कोई एक आधा घर मिलता होगा देखना ना बस। ये देखो, ये देखो कितना गैप भी हो रहा है, क्योंकि इस छत वाले ने मतलब ये बाद में बनाया होगा, और ये छत है पहले की पुरानी, ये अभी बनाया नहीं, तो ये बीच में मतलब गैप सा हो गया, दीवार हटाई होगी ना अपनी। ये देखो ये यहाँ पे भी दिखाई दे रही है आपको, छोटी ईटों के घर हैं ये देख लो, ये ऐसे है, ये नीचे हमारी गली दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे ये इधर ये दिखाई दे रही है दुकान है भाई परचून की, इधर भी, और नीचे भी मेरी दुकान है, मतलब कई गली लगती है भाई हमारे घर के, चारों तरफ गलियां गली है, चौक के बीचों बीच घर है, और अपना सही जी लग गया है ना, कहीं बाहर जाना ना और कुछ, और हर एक चीज़ का मतलब घर तक ही पता चल जा है, घर में खड़े खड़े देख ले हैं। ये देखो भाई ये हमारे चाचा का घर, ये देखो दिखाऊं, ये ऊपर इनका भी बन रहा है, एसी वगैरह लगा रखा है, दिखाई देता होगा आपने। अरे एक मंदिर देखो भाई यहाँ पे भी है, ये रहा हमारे घर के पिछली साइड बड़ा मंदिर, और एक मैंने आपको आगे दिखाया था, ये देखो भाई ये इनका घर हमारे चाचा का, और ये सारा घर इन्हीं का है, ये छत सी दिखाई दे रही, पुराना ठेका रख रखा छत पे, सीढ़ी लगा रखी चढ़ने के लिए, वैसे जीना भी अभी नहीं सोचो कदे जीना ना है, ये चढ़ा रखा जीना इधर से, और भैया हमारी छत, ये दक्ष की गाड़ी वाड़ी पड़ी है ऊपर खेलता रहा कई बार बैठा बैठा, और ये है भाई मेरी मोमटी, एक टंकी ऊपर रख रखी पानी की, और एक भैया रखी टंकी, दो टंकी रखी हैं, और मैं डाल दूँ पानी फटाफट, फिर चलते हैं नीचे, फिर आपको नीचे दिखाते हैं क्या करेंगे। नीचे आ गए हैं भाई, पेड़ हम पानी डाले ऊपर, और ऊपर का कर रहे हैं सारा, अब आ गई मैं नीचे, नीचे भाई करेंगे थोड़ी देर में प्रेस, क्योंकि कपड़े धोए थे आज काफ़ी सारे, फिर कपड़े हो जाएं इकट्ठे हो गए, और उससे पहले मैं आपको जो मैं सदर से अपने लिए शॉपिंग करके लेके आई थी ना कपड़े वगैरह, या चांदनी चौक से भाई इसके पापा के लिए भी पैंट शर्ट ले आए थे हम, कपड़ा और जो सामान लेके आए थे सदर से जो हम अपने लिए लेके आए थे ना, वो दिखाऊंगी मैं आज आपको, टाइम नहीं लगा, कई दिन हो गए वैसे तो शॉपिंग करके ले आए हुए, लेकिन दिखाने का टाइम ही नहीं लगा, वो आज दिखाती हूँ भैया आपको क्या क्या लेके आए थे हम। देखो भाई एक तो ये लेके आए थे बैग, अच्छा है भाई, एक जेब ये है, एक ये इधर से है, और एक ऐसे ये खुल के, और एक जेब ये है, कई जेब है भाई इसके, देखो सही बड़ी बड़ी जेब है, एक ये वाली है बड़ी, और एक ये वाली है, ये जैसे कनक ट्यूशन वगैरह पे जाए, या भाई कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो अपना छोटी मोटी चीज़ डल जाए इसमें, इसलिए लेके आई थी, पसंद आ गया था भाई वहाँ पे बिक रहे थे, और एक एक मतलब ऐसे रिटेल में दे रहे थे तो मैं ले आई थी ये वाला। और भाई ये देखो ये लेके आए भाई दक्ष के लिए, कवर में तो निकाल दी दोनों, उसने गाड़िया का बहुत ज़्यादा शौक रहा है भाई, दो गाड़ी लेके आया था, और बाहर जागा ना जब कुछ ना कुछ लेके आया करे। और ये देखो पैंट शर्ट लेके आई थी भाई मैं, लीलन की है भाई ये मफतलाल की, और ऐसी है देखो वाइट कलर में, तीन लेके आए थे भाई, एक तो इसमें से मतलब धोल के हमने और टेलर को दे दी सिलने के लिए, और दो अभी ऐसे हैं क्योंकि पहले एक ही सिलवा के देखेंगे कपड़ा सही निकला
तो दो और सिलवा लेंगे, ये तीनों सिलवा लेंगे, और नहीं तो फिर ये दो देखते हैं फिर क्या करेंगे, इनका अच्छी नहीं निकली तो, क्योंकि पहली बार ले आए थे भाई इस शॉप से। और देखो भाई ये लेकर आई थी चूड़ा मैं अपने लिए शॉप के, उसमें से एक मैं अपने लिए लेके आई थी ऐसे ही। देखो कुंदन वर्क का है, स्टोन वगैरह ऐसे है भी, मैरून सा कलर है भी, मेरे को अच्छा लग गया था। वैसे तो मैं कम ही पहनती हूँ, लेकिन कभी कभार अच्छा लगेगा मतलब पहनने में। और ये दो बेल्ट लेके आए थे भी, और ये देखो ये दुकान में शॉप में लेके आई थी ना मैं बेचने के लिए, उसमें से लिया ही मैं कभी कभी डालने के लिए। वैसे तो डेली यूज में तो छोटे छोटे पहने रहे हैं, और एक लिया भाई ये, दो लिए हैं मैंने, दोनों डिजाइन अलग अलग हैं, मेरे को दोनों अच्छी लगी, और कलर भी वाइट ब्लैक मेरा फेवरेट कलर। और भाई एक देखो ये वाले कड़े, कुछ नया ऐसा डिजाइन था, गारंटी में है भी ये, इनका कलर नहीं उतरता मतलब वाइट नहीं उतरती, और ब्लैक तो भी अपने हाथ में है, अगर डिब्बी से निकाल के ऐसे कहीं भी फेंक दोगे तो खराब होएंगी, और जो संभाल के ऐसे डिब्बी में रखोगे तो भी मतलब अपने पैसे वसूल कर देंगे। चीज़ ऐसी हैं क्योंकि मैं दुकान में शॉप में लाती हूँ बेचने के लिए। और ये देखो भाई गले का नेकलेस लेके आई थी, मैंने काफ़ी दिन हो गए, ऐसे डेली तो चीज़ ये यूज नहीं होती, कभी कभी पहनने में काफ़ी दिन चल जाए। ये देखो ये इसका टिक्का है निकल गया, और भाई इसके इयर रिंग्स दिखाते हैं आपको, ये वाले हैं भी, ये देखो मेरे को इनका डिजाइन ना मतलब वहां पे लग रहे थे ये दुकान में बिल्कुल आ गई, देखते ही पसंद आ गए थे। नक्का पापा वैसे तो जल्दी कर रहा था, शॉप के लिए नहीं लेके आई भाई मैं ये बेचने के लिए, बस अपने पर्सनल यूज के लिए लेके आई थी। ये देखो देख कर बताइयो भी कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में, सेट मेरा गले का। और एक और लेकर आई हूँ भाई, दो लेकर आई हूँ मैं, गोल्डन कलर ही मेरे को ज़्यादा पसंद है, और गोल्डन ना सब पे चल जाता है, वैसे एक कलर का लेकर आओ तो फिर वो उसी कलर की ड्रेस पे चलेगा, और गोल्डन का ये है कि किसी भी ड्रेस पे पहन लो आप, यूँ नहीं है कि इस पे नहीं चलेगा उस पे नहीं चलेगा। एक ये देखो भाई ये साइड का है ऐसे लगाने वाला, और ये देखो भाई ये है इसका टिक्का, इसमें साइड वाला भी दे रखा है, इसमें दो दे दिए, और इसमें नथ भी है एक्स्ट्रा, उसमें नथ नहीं थी उसमें बस टिक्का गले के, और ऐसे था ये देखो ऐसे ही। और ये है इसके कानों के बड़े बड़े हैं भाई, इसके उसके छोटे हैं, इसके बड़े बड़े हैं, ये देखो इसका भी मेरे को डिजाइन ना ये गोल गोल वाला, ये वाला अच्छा लगा, गोल्डन और वाइट से जरकन से में है स्पून में, अच्छा लगे मेरे को ये देखने में। ये दोनों ना वही बाहर दुकान पे लग रहे थे, देखते मतलब दूर से ही पसंद आ गए थे, मैंने उसके ज्यादा खुलवाए नहीं, मगर भाई तू मेरे को यही उतार के दे दे जो बाहर ही लग रहे हैं। तो ये देखो ऐसे लगेगा, देख कर बताइयो भी मेरी पसंद कैसी है, अच्छे हैं या नहीं, ये मेरे को तो अच्छे लगे, ये वाला ज्यादा वर्क पसंद आया मेरे को, ये देखो ऐसे गोल गोल है सर्कल सा। ये दो सेट लेके आई थी भाई, दो जोड़ी ये ले लिए मैंने, और भाई अभी और दिखाती हूँ आपको, ये देखो भाई ये मेरे, और ये हैं दक्ष के या कनक इसका पापा, मतलब कोई भी लगा लो ये तो सबको चल जाएंगी। और एक लेके आई थी भाई ये, मेरे को ब्राउन कलर ज़्यादा पसंद आता है भाई और अच्छा भी लगता है। और एक देखो ये दो लेके आई थी मैं अपने,
डंडी ऐसी है, ज़्यादा महंगी नहीं लेके आई भी मैं, सस्ते सस्ते से लेके आई थी। वहाँ पे वैसे भी सही चीज़ मिल जाए, ज़्यादा महंगी भी ख़राब हो जाए जल्दी टूट टूट जाए। एक देखो ये लेके आई थी, ये भाई कनक की पसंद है, कनक लेके आई थी। ये देखो ऐसे जैसे पढ़ाकू बच्चे नहीं हुआ करें, बहुत पढ़ लिए भाई इस तरह के। बोली मम्मी ये आजकल चल रहे हैं आप अपने थी ले लो, मैं ना भाई मैं तो अनपढ़ ठीक हूँ, तू बन ले मैडम। स्टूडेंट्स के लिए है भाई ये इस टाइप के, ये स्टूडेंट के लिए भाई, ये स्टूडेंट है हमारी, ये लगाएगी। मैं तो भाई मैडम आ रही लगा लूंगी, क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। मैंने तो देखो ये इसे अच्छे लगे, ब्राउन ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है, और मैंने तो ये इस तरह ये है लगा कर देख कर लेकर आई थी। वहाँ जा चश्मे खरीद रही थी ना भाई, वहाँ सदर में एक आंटी भी खड़ी थी, मैंने ये वाइट वाले लगाए ना जो कनक की पसंद के ही ये वाले, तो वह आंटी यूँ बोली मेरी वैसे निगाह चली गई, वह सुसंटी पे वो मेरी तरफ देख रही थी, पता ना कितनी तरफ देर की देख रही होगी मेरी तरफ, तो मैं उसकी तरफ देखी ना तो हंसने लगी और यूँ बोली गर्दन नहीं ला कर इतना ये अच्छी नहीं है अजी, जब ये लगाए ना तो यूँ बोली अगर एकदम अब ये ले लो। मैं आंटी पसंद थे मेरे भी ये आ रहे थे, पर मैं कनक कह रही थी तो मैंने सोचा एक बार इसकी भी पसंद ट्राई कर ली, तो फिर ये कनक के कई आए थे भाई, ये मेरी पसंद नहीं है, ये डेली यूज में बेस्ट है। हाँ और एक भाई ये है, ये मैं दिवाली पे लेके आई थी बेचने के लिए, तो जब सारे ख़त्म हो गए थे भाई मेरी दुकान पे, अब ये लेके आई मैं अपने पर्सनल यूज के लिए। अभी मैं आपको ना चला के दिखाऊंगी इसको कैसे चलेगा, और फिर दिखाती हूँ आपको। टोर्नेडो है ये, ये देखो भाई ऐसे लगाऊंगी इसको, बिजली से कनेक्ट है भाई ये, और ये देखो ये धीरे धीरे तेज हो जाएगा भाई, ये देखो लाइट भी कलर चेंज करते रहेंगे, मतलब ये देखो दिवाली पे लेकर आए ना भाई वो बिक गए थे और अच्छा लग गया था वहाँ पे, मतलब सामान लेने गए ना तो वहाँ पे दुकान पे चल रहा था ये, तो वहीं से खरीद के लेके आई थी, तो तब तो रहा नहीं था हमारे लिए, फिर मैं अब खरीद के लेके आई अपने लिए एक और, ऐसे बंद हो गया था भाई और अब ये दोबारा अपने आप ही चले आया देखो ऐसे, सेल से भी और बिजली से भी दोनों तरह चलता है ये, जिसका मन करे सेल तो चला लो, जिसका मन करे लाइट से चला लो, जैसे भी सही लगे आपको। कैसा लगा भाई हमारा बाउंडर, ये खेता में आया करता ना भाई वो बाउंडर इस तरिया गर्मिया में आया करता, हम छोटे छोटे थे हमने देखा था, अब तो जैसे खेत में आना जाना है ना होता इतना, तो अब तो कहाँ देखेंगे, और आते भी कम होंगे अब तो शायद बाउंडर वगैरह। ये देखो भी ऐसी है देखने में इसकी लुक, कैसा लगा आपको बताना मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कि अच्छा लगा है नहीं, और भाई इसको डाल देती हूँ इसमें डिब्बे में ना, तो बच्चे कर देंगे भाई इसका काम तमाम, देख देखने देखने के चक्कर में मारेंगे देखा, और शीशे का भाई टूट जाएगा जब भाई। तो भाई आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, और भाई आप ऐसे देखते रहो और अपना प्यार ऐसे बनाए रखो, और जिसने भी भाई ने बहन ने जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दियो, और आज का व्लॉग भी इतना ही, अगला व्लॉग में दिखाएंगे आपको कल, देखो क्या दिखाते हैं, अभी तो मैं भी कुछ नहीं बता सकती, और भाई बाय राम राम जी सब नाथ जोड़ के।